जैसे कि आप जानती हैं कि अंतिम और सूर्यवंशी दोनों ही एक ही महीने में रिलीज हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा ट्रेलर लगा? मुझे दोनों ही क्रिएटिव अच्छे लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बात करना चाहूंगी सूर्यवंशी की, जिसका टोटल आता है 6 न्यूमरोलॉजी से, और अंतिम का भी टोटल आता है 6। तो दोनों 6 जो है पे आ रहे हैं। 6 का अगर बात करें तो 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र बोला जाता है। जो 6 नंबर होता है वो लक्ष्मी माँ से भी कनेक्टेड होता है somehow, and हमें लग्जरी सब वहीं से मिलती है। सेम का नंबर भी 6 माना जाता है। तो ये दोनों का ही टोटल 6 आ रहा है, तो काफी मतलब इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवीज अच्छा करेंगी। और सूर्यवंशी की तो 5 नवंबर को ही रिलीज हो रही है, तो 5 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। जो नंबर ऐसा नंबर है जो हमारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है, अर्थ का नंबर होता है, स्टेबल नंबर होता है। तो इसलिए जो भी सिचुएशंस हैं, क्योंकि अभी कोविड की वजह से हम लोग थिएटर्स नहीं जा रहे थे, थिएटर्स बंद थे, अब वापस से खुले हैं और मूवीज रिलीज होने लगी हैं, तो वैसे सिनेरियो को देखते हुए ये मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेगी। और अगर हम पोस्टर की बात करते हैं सूर्यवंशी की, तो उनके जो लेटर्स हैं वो काफ़ी कैपिटल्स में लिखे हुए हैं और रेड कलर में हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ मूवी ऑफ अ लीडर, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा कन्वे करने को। और कहीं ना कहीं किसी ना कोई एंगल चाइल्डहुड से रिलेटेड रहेगा या ऐसा पार्ट रहेगा जो स्टोरी में जो जो मेन हीरो है वो छुपाना चाहे अपनी लाइफ का, यू नो सम स्टोरी विल बी। और अगर मैम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस की, तो आपके हिसाब से दोनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस के नंबर्स किसके सबसे ज्यादा ऊपर होंगे? अगर हम बात करते हैं दोनों मूवीज की, तो अभी अंतिम का जो डेट है वो फाइनल आई थिंक नहीं हुआ है रिलीज डेट, बिकॉज़ आई सेट ऑन नेट होल्ड, बट जब तक डेट रिलीज डेट भी नहीं पता चलता है तब तक भी हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो सूर्यवंशी का जैसे मैंने बोला वो 5th नवंबर को रिलीज हो रही है, और अगर हम बात करें रोहित शेट्टी जी की, उनका भी बर्थडे 14th मार्च जो कि 5 आ जाता है, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्मनी तो है। बट ओनली एक ही जो चीज़ है उनकी, जब टोटल करते हैं नवंबर 2021 का, तो वो 3 आता है। तो जो 6 उधर आ रहा है सूर्यवंशी नाम से और ये 3, इनमें बहुत ज्यादा हार्मनी नहीं होती। हार्मनी वो फेम तो बहुत दिलाता है, बट कहीं ना कहीं कोई चीज जैसे कंट्रोवर्सी में आ गई या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाता है। फेम तो ऑब्वियसली 3 और 6 जब आते हैं तो काफी फेमस कर देते हैं, तो इसलिए बस यही है। नंबर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे और इतने टाइम के बाद थिएटर्स खुल रहे हैं, तो लोग भी थोड़ा यू नो दे आल्सो वांट टू गो आउट एंड एंजॉय एंड चिल आउट, बिकॉज़ घर में रह के भी बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैम बात करें जनता के प्यार की, तो सलमान जी का भी लोग काफी उनको पसंद करते हैं, और बात करेंगे अक्षय कुमार की तो उनको भी लोग काफी पसंद करते हैं। और जो सूर्य अंतिम की डेट नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि वो सेम मंथ में रिलीज होगी क्योंकि ट्रेलर आ चुका है, और सूर्यवंशी जो है वो 5 को आ ही रही है। तो आपके हिसाब से दोनों मूवीज में से किसको सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा जनता की ओर से? जैसे आपने खुद ही आंसर कर दिया है अपने क्वेश्चन का, कि अक्षय कुमार को भी लोग बहुत पसंद करते हैं और सलमान खान की एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग है, तो दोनों को ही। और ये मूवी ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन सेम डे रिलीज हो रही है, दे आर रिलीजिंग ऑन 2 डिफरेंट डेट्स एज पर माय नॉलेज, बिकॉज अभी अंतिम का तो डेट आया ही नहीं है, और सूर्यवंशी इज ऑलरेडी रिलीजिंग आई मीन कन्फर्म्ड ऑन 5th। तो मेरे ख्याल इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही मूवीज को
बहुत पसंद किया जाएगा बिकॉज दोनों ही मूवीज के जो नाम है उनका टोटल 6 आता है, टोटल 6 आने पे जैसे मैंने बोला कि वो फेमस लाइमलाइट में आ ही जाती है चीजें, तो इसलिए आई एम फ्रॉम यू नो न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम होपिंग कि दोनों मूवीज को ही इक्वली प्यार मिल जाएगा मिलेगा और मेन अंतिम का जो है वो प्रेडिक्शन तभी हो पाएगा जब उनका रिलीज डेट निकलता है बिकॉज रिलीज डेट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे कि मैम आप भी जानते होंगे कि सलमान खान की मूवीज जो अभी वो कंटेंट जो रिलीज कर रहे हैं वो काफी ऑडियंस से रेजोनेट नहीं कर रहा है जिनकी वजह से बॉक्स ऑफिस के पे उनकी मूवीज नहीं अच्छी चल पा रही। जैसे हम बात करेंगे रेस 3 की ही, ठीक है, लोगों ने काफी कुछ कहा कि वो कंटेंट पुराने जमाने का है या फिर वो उनसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये काफी ही 90s बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है। और अगर बात करेंगे अंतिम की तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मूवी का हिट होने का चांस है या इससे भी लोग कहेंगे कि ये काफी 90s बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है? सी जैसे मैंने बोला कि अंतिम का जो टोटल आता है वो 6 है, 6 तो अगर आप सिर्फ नाम को देख के चले 6 अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है जिसको बहुत प्यार भी मिलता है सबसे, वो लाइमलाइट में भी आता है। बट उसके साथ अगर रिलीज डेट जैसे 3rd आ गई किसी तरीके से, 21st आ गई, 30th आ गई, 12th आ गई, तो वो 3 और 6 का आपस में हार्मनी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं ऐसी कैटेगरी में डाल दी जाएगी कि मे बी कॉन्टेंट नहीं अच्छा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखाएगी। बट अगर रिलीज डेट बहुत ही, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जैसा चीजें होती है ना वैसे ही हम नंबर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं उसके साथ, बिल्कुल तो मूवी का कॉन्टेंट और सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट नंबर 3 इटसेल्फ। अगर वो वैसी कैटेगरी की मूवी होगी जहाँ पे कंटेंट लोगों को नहीं पसंद आने वाला है, पुराना होगा या रिपीटेड कंटेंट होगा, तो वो कोई ना कोई ऐसा नंबर अट्रैक्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी एंटी नंबर हो जाएगा 6 के, तो इसलिए वो जब रिलीज डेट के बाद अंतिम के लिए बहुत बोलना, मैं बोलूंगी बहुत सेंसिबल होगा। अभी सिर्फ उसका अंतिम का जो टोटल 6 आ रहा है उसको देख के मैं इतना ही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये मूवी लाइमलाइट में जरूर आएगी, उसको पसंद भी करेंगे। लाइमलाइट में आने का 2 तरीके से आते हैं, या तो आप बहुत अच्छा करते हो या कुछ कॉन्ट्रोवर्सी अटैच हो जाती है, सो लेट्स सी। तो जैसे कि मैम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, क्योंकि सूर्यवंशी की डेट फिक्स्ड है वो 5 नवंबर को आ रही है, उस वक्त दिवाली है, काफी फेस्टिव सीजन का माहौल है, मोस्टली लोग जाएंगे। बट कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि उनका जो बॉक्स ऑफिस नंबर है वो वीकेंड के तक 55 करोड़ तक का आ रहा है, तो आपके हिसाब से सूर्यवंशी के बॉक्स ऑफिस नंबर कितने ऊपर तक जा सकते हैं क्योंकि वो फेस्टिव सीजन पे आ रही है? से बहुत सारी मूवीज हैं जो रिलीज हुई हैं फेस्टिवल्स पे पहले भी, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट मूवी है, बहुत सारी जो दिवाली पे रिलीज होती है, बहुत सारी मूवीज पे रिलीज होती हैं, तो ऐसा फेस्टिव सीजन को मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगी। मैं सिर्फ एक ही चीज को यहाँ पे रखना चाहूंगी कि जो मुझे दिख रहा है कि अगर थोड़ा स्लो पिकअप रहेगा वो रीजन रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोविड को लेके अनसर्टेनिटी है, तो वो बाहर, एक तो वैसे ही फेस्टिवल है, लोग थोड़ा तो बिजी रहते ही हैं और बहुत लोगों से भी मिल रहे होते हैं, तो प्लस फिर थिएटर में जाके और इतने सारे लोगों को जब हम एक्सपोज होते हैं तो वो एक मेंटल ब्लॉक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हो सकता है, वो भी एक रीजन होता है कि हम जैसे आप और मैं भी होंगे तो हम सोचेंगे एक बार जाने से पहले, तो सब ऑडियंस के साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है कि हम थोड़ा डरते हैं जब हम इतने पैंडेमिक से निकल के आए, तो वो एक रीजन मैं मानती हूँ। बिकॉज फेस्टिव सीजन में तो जनरली सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो अपनी मूवीज पर्पसली दिवाली पे रिलीज करते हैं बिकॉज पीपल हैव वेकेशंस, दे कैन गो एंड वॉक, बिल्कुल, तो आई डोंट That is the reason for the slow growth or slow opening of the movie. बिल्कुल बिल्कुल। तो
जैसे कि मैम आप जानती हैं कि आज ही शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना उनको ट्रिब्यूट करा, आप पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, कि तू अब भी यही है, अगर आपने सुना होगा यूट्यूब पे, तो उस ये जो गाना है वो काफी हार्ट टचिंग था, बहुत ही एक ट्रिब्यूट की तरह था सिद्धार्थ शुक्ला के। तो ये गाने के बाद से आपको क्या लगता है कि वो अब उनका करियर जो है वो हॉल्ट पे जाएगा या फिर वो और ही बूम होंगी अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब सना खुद सामने से आके उन्होंने बताया कि व्हाट इज शी फीलिंग, कैसे उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया, क्या कुछ मेमोरीज रही, क्या कुछ जर्नी था उनके साथ उनका, इसके बाद अगर आप उनका करियर प्रिडिक्ट कर पाए तो। सी उनका करियर प्रिडिक्ट करना और ये सॉन्ग अपने आप में एक ट्रिब्यूट है और बहुत ही हार्ट टचिंग है, और आई एम श्योर अगर मैं उसकी न्यूमरोलॉजी नहीं भी करती हूँ तो भी ये ऑडियंस को पसंद आने ही वाला है, बिकॉज सब ऑडियंस जो है, जो फैंस है उनके सिद्धनाथ के, वो बहुत इस वक्त एक इमोशनल स्टेट में है और कुछ भी उनसे रिलेटेड आता है तो वो भी एक तरह से क्रेजी हो जाते हैं। सो वो उसका सक्सेस और उसकी लाइकिंग और जो उसके साथ इमोशंस अटैच्ड हैं वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे ऑफकोर्स। और जहाँ तक करियर की बात है, शहनाज का जो नंबर है 927 वो वॉरियर है, उसका करियर अच्छा ही होने वाला है। वो ठीक है, हर एक जो भी पर्सन रहता है, जो भी एक्टर है या कोई भी प्रोफेशन में हो, उनके करियर में थोड़ा कभी एक ऐसा फेज आता है कि बहुत फास्ट चीजें हो रही हैं, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे स्लो हो रही हैं चीजें, वो फेज सबकी लाइफ में आते हैं, वो शहनाज की लाइफ में भी आएंगे, पहले भी आए हैं 2 साल बिग बॉस के आने के बाद। ये नहीं है कि बैक टू बैक उन्होंने चीजें करी हैं, देयर वाज अ टाइम देयर वाज नथिंग कमिंग फ्रॉम हर। सो इसलिए अगर मैं बात करती हूँ उनके करियर की, तो यस शी विल ग्रो अ लॉट, बट हाँ उनके जैसे जो नंबर्स हैं और आगे जो उनके पर्सनल ईयर आने वाला है, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो जब दूसरों के साथ डील कर रही हैं, बिकॉज वो बहुत इमोशनल है और अभी वैसे भी वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में है। इन जनरल ऑल्सो वी हैव सीन हर इन बिग बॉस, शी इज वेरी इमोशनल पर्सन, वो बहुत ज़्यादा बहुत ईजीली दूसरों के बातों में भी कन्विंस हो जाती हैं, बिकॉज वो खुद बहुत ही प्योर एट हार्ट है। तो ऐसे लोग जब हम खुद प्योर रहते हैं, वो दूसरों को भी हम गलत नहीं समझते कभी भी। तो उनके लिए बहुत बड़ा एक एंकर था लाइफ में सिद्धार्थ शुक्ला, जो बहुत लॉजिकल थिंकिंग सिखाते थे, यू नो बिग बॉस में भी उन्होंने यही बोलती थी शहनाज कि मेरे को इसने बहुत संभाला है, बहुत स्ट्रांग बनाया है, बुद्धि भी है उसने, मतलब वो बहुत उसको अप्रिशिएट करती थी उस चीज के लिए। तो उनकी लाइफ में वो नहीं है, तो उनको बहुत ही समझ बूझ से लोगों पे ट्रस्ट करने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग अ इमोशनल पर्सन शी इज मोर वल्नरेबल टू यू नो गेटिंग मैनिपुलेटेड, सो दैट शी हैज टू टेक केयर फॉर नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर जो उनका पर्सनल ईयर है, ताकि उनका करियर अच्छा भी होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए, हमको बहुत ही अच्छे इनसाइट्स आपने दिए सूर्यवंशी और अंतिम को लेके, काफ़ी क्लैरिटी मिली स्पेशली मुझे कि अब तक अंतिम नहीं आई है तो फिर हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इट्स स्टिल गोना बी ऑल राइट। सो मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर। And thank you for having me.